हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद तथा स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि एग्जांपल्स ऑफ गुड वर्सेस बैड हेल्थी लाइफस्टाइल। देखो दोस्तों, सबसे पहले थॉट्स से एक्शन होता है, एक्शन से आदत बनती है। आपके एक दिन में 50 थॉट्स हैं, उसमें से कोई बेस्ट थॉट्स के ऊपर आप एक्शन लेते हो, तो इस एक्शन को जब 21 दिन तक रिपीट करते हो तो आपकी आदत बनती है, तथा जब 3 मंथ तक किसी आदत को पक्का किया जाता है तो आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल बनता है। अब जो लाइफस्टाइल है, 3 मंथ्स हैबिट्स इज इक्वल टू लाइफस्टाइल। किसी आदत को आप अपनाते हो, बार बार रिपीट करते हो तो 3 महीने लगते हैं। तो किसी का अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है, किसी का बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल हो सकता है, उससे उसकी सेहत अच्छी और उसकी सेहत गंदी हो सकती है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस किस तरह का लाइफस्टाइल हमारे सेहत के ऊपर कैसा प्रभाव देता है। सबसे पहले गुड लाइफस्टाइल, सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की, भोजन। दोस्तों, कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, हार्ट की समस्या है, ब्रेन की समस्या है, सभी आपके लाइफस्टाइल की समस्याएं हैं। मींस आपने अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा तो यह बीमारियां आई हैं। अब हमने अच्छा लाइफस्टाइल रखना है तो जिसे यह बीमारी नहीं है वो कौन है? वो मॉर्निंग के टाइम फास्ट रखते हैं। फास्ट मीन्स कुछ भी नहीं खाते, पानी पीते हैं, 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं खाते। तो उनकी जो मशीन है, उनकी इंटेस्टाइन है, टोटली जो वेस्ट है, जो स्क्रैप माल है, उसको बाहर निकाल देती है। तो उनकी सेहत अच्छी रहती है, उनका पेनक्रास अच्छा काम करता है, उनका इंसुलिन अच्छा बनता है, उनके हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं, मोटापा नहीं आता। या फिर वो दलिया खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं जो सीजनल है। अब उन लोगों की बात करता हूँ जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही गंदा है, उनकी हेल्थ बहुत गंदी है, वो बीमारियों में फंसे हुए हैं या आने वाले समय में उन्हें बीमारियां लगेंगी। सुबह के टाइम बेड टी पीते हैं, अभी उठते ही हैं तो कहते हैं अपनी धर्म पत्नी से चाय बना दो, बेड के ऊपर बेड टी, बच्चा भी बेड टी, मम्मी भी बेड टी, उसकी आंटी भी बेड टी, जो बेड के ऊपर टी पी जाती है तो यह भयंकर कब्ज करती है। भयंकर कब्ज करने से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है कंटिन्यूअसली होता है, तथा हर तरह की बीमारी आपको लगती है। तो यह आपका बेड लाइफस्टाइल है, ऐसी चाय नहीं पीनी चाहिए। ब्रेकफास्ट टी, उसके बाद ब्रेकफास्ट टी आ जाती है, उसके बाद ब्रेड रस बिस्कुट आ जाते हैं, गुड, यह भी गलत है, मैदे की चीजें हैं, नुकसान करती हैं, हर एक चीज को आपको नुकसान देंगी। उसके बाद मैगी है, या कहीं से बाहर से कुलचे खा लिए, फास्ट फूड खा लिया फूड, तो यह आपका बैड लाइफस्टाइल है, इससे आपको बीमारियां लगनी है। अगर आप उसमें हो तो बाहर नहीं निकल सकते। अब अच्छा जो लाइफस्टाइल है वो दोपहर को क्या खाता है? बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई, और ये क्या खाता है? तली हुई, ऑयली ऑयली फूड खाता है, या फिर आउटसाइड टिफिन रखा हुआ है, फास्ट फूड रखा हुआ है, तो यह नुकसान देता है। यह उबली सब्जियां लाभदायक हैं, रोटी खाता है, शाम को फ्रूट्स खाता है, और यह महाशय हैवी फूड खा लेता है शाम को, बाजार का जितना भी गंध है, जितनी भी मिठाई है, स्वीट्स हैं, वो पेट में डाल देता है। तो यह तो परमानेंट पेशेंट हो जाता है यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ जाता है, इसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है, इसका
यूरिक एसिड नहीं बनता। अब सोना, सोने के ऊपर बात करते हैं, जो अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल है, जो 3 महीने नॉन स्टॉप 9 बजे सोता है और 4 बजे उठता है, तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। जल्दी छेती सोना, जल्दी छेती उठना एक अच्छा लाइफस्टाइल है। यह आलसी है, रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, इसको हमेशा ही कब्ज रहेगी, पेट में मल साफ नहीं होगा, वात पित्त कफ का यह पेशेंट बन जाएगा, क्योंकि रात के 12 बजे सोता है, सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठता है, तो इसकी सेहत डाउन हो जाएगी। ब्रह्मचारी जो अच्छा लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 8 तरह के मैथुन नहीं करता, अपने जो इंद्रियां है उसको संयम में रखता है, अपने मन को कंट्रोल में रखता है, यह जो फॉलो नहीं करता अश्लील बातों में ज्यादा टाइम खराब करता है, उससे जो धातु बनती है उसकी वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तथा बीमारियों से लड़ने की जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, तथा इस व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, कोई भी बीमारी नहीं लगती है, अगर कोई अटैक करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही सॉलिड हो जाता है। ऑल टाइम हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, जो यह व्यक्ति है गुड लाइफस्टाइल वाला, जिसने 3 महीने एक ही कसम खाई है कि मैंने हमेशा ही खुश रहना है, पॉजिटिविटी उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हर चीज का पॉजिटिव एंगल देखता है, कहीं उसका पैसा डूब गया तो उसको भी वह पॉजिटिव वे से लेता है, इस मिस्टेक से क्या सीखा जाए, या हर बात को एंगर सैडनेस स्ट्रेस अदर नेगेटिविटी में लेके जाता है, तो इसका बैड जो लाइफस्टाइल है उसको नेगेटिविटी की तरफ धकेल देता है, मनोरोग उससे हो जाते हैं, डिप्रेशन में यह व्यक्ति रहता है, तो यह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, यह हमेशा दुखी रहेगा, अस्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से ही। तो आपने किस तरह का लाइफस्टाइल बनाना है, आपने इस जगह पे बैठे हो, आप ब्रेड टी लेते हो, आप ब्रेकफास्ट लेते हो, आप ब्रेड ग्लास बिस्कुट लेते हो, मैगी लेते हो, कुलचे छोले खाते हो, सब बंद कीजिए, आपने सुबह फास्ट कीजिए, दूध पीजिए, दलिया खाइए, फल खाइए, उसके बाद दोपहर होगी हैवी फूड, दोपहर को आउटसाइड टिफिन फास्ट फूड होटल का जो सामान है वो बंद कर दीजिए, घर में ही बॉइल्ड जो वेजिटेबल है उसको उबालिए, उसके साथ रोटी खाइए, काला नमक डाल सकते हो, मिर्च मसाला भी नहीं डालना चाहिए, तो ये आपका अच्छा लाइफस्टाइल है। अगर आप रात को लेट सोते हो, लेट उठते हो, तो वो आदत बंद कर दीजिए, 3 महीने उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस रखिए डिटर्मिनेंट के साथ, कि मैं डिटर्मिनेशन ले रहा हूँ कि मैं रात को 9 बजे सो जाऊंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, तथा अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अगर मैं गुस्सा करता हूँ, स्ट्रेस लेता हूँ, सैडनेस है, अदर एक्टिविटी है, वो छोड़कर मैं हमेशा ही हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी में रहूंगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, जब हम हैप्पी रहते हैं तो यह इसकी जो मेमोरी है पावर इंक्रीज हो जाती है, तथा साथ ही साथ इसका मन ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि मन को सबसे ज़्यादा जो खुशी देने वाली बात है, जो उसको आप इनपुट देते हो, आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे, हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखोगे, तो जिंदगी बहुत ही खुशनुमा आनंददायी रहेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि आप इनको फॉलो करोगे, अगर कोई डाउट है तो मेरा मोबाइल नंबर है 93582 3925 93562 3495। थैंक यू।